हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। स्ट्रीट लाइट के पोल में दौड़ा बिजली का करंट, बिजली विभाग की लापरवाही ने ली एक बच्चे की जान, लहरिया सराय प्रधान डाकघर के निकट हादसा। हाईवे पर चलती स्कॉर्पियो में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। जिलाधिकारी ने की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, 102 एम्बुलेंस की सेवा से असंतोष, कहा 10 दिनों के अंदर करें सुविधा दुरुस्त। चीन से लोहा लेने का सवाल हो या फिर बाढ़ या आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाना, एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा है पूरी तरह तैयार, कहा नए कमांडेंट ने। और न बजा बैंड न ही हुई आतिशबाजी, जदयू विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे की दहेज एवं आडंबर मुक्त हुई शादी। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहरिया सराय दरभंगा। डायल करें 8880949112। कपड़ों के जाने पर एजुकेशन अनेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774, Shailendra Jha, principal. बिजली विभाग की लापरवाही ने ली एक बच्चे की जान, स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। लहरिया सराय थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के करीब सुधा डेयरी के संचालक नंद कुमार कामती के 14 साल के बेटे राहुल कुमार की मौत बिजली के करंट की चपेट में आने से हो गई। हादसा तब हुआ जब दूध की गाड़ी डेयरी पर पहुंची और दूध उतारने के क्रम में डेयरी के बगल में स्ट्रीट लाइट के पोल में करंट आने से राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। स्ट्रीट लाइट का पोल टूटकर वहां से गुजर रहे हाई टेंशन तार पर अटक गया, जिसके बाद स्ट्रीट लाइट के पोल
का करंट उसमें प्रवाहित हो गया और यह घटना घट गई। स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर लहरियासराय टावर से लहरियासराय स्टेशन जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर बीच में सब को रखकर बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए नारेबाजी की। वहीं पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग रख सड़क को जाम किया गया। हम सब पहचानकर्ता कह दे बाद विभाग के घोर लापरवाही के कारण एक कमाऊ पुत्र राहुल कुमार, जो जिनका पिता का नाम है नंद कुमार कामत, बहादुरपुर दुखरी पंचायत के रहने वाले हैं, एक कमाऊ पुत्र जो है बिजली विभाग के लापरवाही के कारण उनका आज 8:30-9 के बीच में उसका देहांत हो गया। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने फोन किया, फिर यहाँ के थाना को भी फोन किए हैं। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हैं, पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 का चेक बन चुका है, हम लोग अभी दे रहे हैं। लहरियासराय थाना प्रभारी से भी हम आग्रह करेंगे जो उनका FIR, एक कमाऊ पुत्र मर गया है, बिजली विभाग के JEE और अधीक्षक अभियंता पर कार्रवाई किया जाए। जो विधि व्यवस्था नाम का चीज नहीं है बिजली का, सबसे पहले इस प्रशासन को हम लोग 6 महीना पहले पूरा इस रोड के जितने व्यवसायी महासंघ के हैं और पूरे दुकानदार 8 सदस्य मांग किए थे इस पोल का बिजली व्यवस्था का ठीक कीजिए। ये बोले दिलबाजा हमारे साहब थे और DM साहब से मिले थे, कहीं नहीं ठीक हो जाएगा। वह विधि व्यवस्था नहीं ठीक करने के कारण आज नहीं हुआ। वो मांग किए थे 15 दिन के अंदर 3rd महीना जा रहा है, उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ है। मैं यही मांग कर रहा हूँ, यह लड़का के तरफ से जो 12-14 वर्ष का बच्चा मरा है, उसका उसके गार्जियन का बच्चा का मुआवजा हो, उसके घर में एक परिवार का नौकरी हो और 20 लाख मुआवजा उसको देनी चाहिए। आज लहरियासराय डाकघर के पास सुधा डेयरी नंदलाल कमती जी चलाते हैं, उनका पुत्र रोज दिन की अपेक्षा आज भी दुकान को खोल करके अपना कारोबार में लग रहा था, सामान को बाहर भीतर कर रहा था। उसी के दुकान के सामने में बिजली का पोल है जो डोपर लाइट का काम करता है, उसमें छूने से उसको बड़ी तगड़ा करंट लगा और वही करंट लगने के कारण वो छटपटा करके मर गया। जब लोग को सूचना मालूम हुआ, सब लोग यहाँ जुटे, तो पता चला कि बिजली विभाग को पहले भी लिख करके दिया गया था कि यहाँ जो है करंट आती है, इसको सुधारिए। बिजली विभाग ने अनसुनी कर दिया। आज बड़ी घटना घट गई। यह घटना में राहुल कुमार कमती की मृत्यु हो गई, उसके लिए स्थानीय सर्वदलीय लोगों ने सड़क जाम किया और सड़क जाम के माध्यम से बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मांग किया कि मृतक राहुल कुमार के परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा और उसके परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जो कार्यपालक अभियंता और JEE है उसको निलंबित किया जाए बिजली विभाग को। चलती स्कॉर्पियो में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। दरभंगा जिले के भालपट्टी OP थाना क्षेत्र NH 57 पर अदलपुर के पास एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। गाड़ी में ड्राइवर सहित 5 लोग सवार थे। ये लोग सकरी से दरभंगा की ओर आ रहे थे, जिस बीच यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि सभी सवार समय रहते तेज रफ्तार गाड़ी को रोककर बाहर निकल गए और घटना के बाद फरार भी हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि आग इतनी तेजी से फैली कि कोई कुछ न कर सका और गाड़ी धू धुल कर जलकर
खाक हो गई। किस्मत अच्छी थी उन लोगों की जो इस पर सवार थे और बाल बाल बच गए। वहीं स्थानीय पुलिस और लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। अचानक लगी आग के कारण यातायात भी कुछ देर के लिए प्रभावित हो गया। फिलहाल आग कैसे लगी पुलिस इसका कारण जानने में जुटी है। अभी NH57 पे एक स्कॉर्पियो जो सकरी साइड से जा रही थी दरभंगा, उसमें पास जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में हुई। बैठक में दरभंगा जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सीय सुविधाओं की गहन समीक्षा की गई। आशा के बकाए मानदेय का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया गया। 102 एम्बुलेंस सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। अब तक की स्थिति से जिला पदाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। उपस्थित 102 एम्बुलेंस के स्थानीय प्रबंधक को 10 दिनों के अंदर व्यवस्था में सुधार हेतु कड़ी चेतावनी दी गई। इसके बावजूद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार न हो पाने की स्थिति में कड़ी कानूनी कार्रवाई हेतु राज्य स्तर पर पत्र लिखने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में ही 25 जून 2018 से 7 जुलाई 2018 तक डायरिया नियंत्रण हेतु जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाने की जानकारी दी गई। 25 जून को जिला स्तर पर एवं प्रखंड स्तर पर समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने उपस्थित चिकित्सकों को अपने स्तर पर प्रत्येक महीने बैठक कर दी जाने वाली सुविधाओं में बाधाओं के संबंध में जानकारी लेकर प्रतिवेदन सिविल सर्जन दरभंगा को भेजने का निर्देश दिया ताकि आ रही बाधाओं को ससमय दूर किया जा सके। गर्भवती महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में संस्थागत प्रसव हेतु चिकित्सा केंद्रों में आएं, इसके लिए आशा के जरिए विशेष प्रयास किए जाने का भी निर्देश दिया गया। अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार आशा के साथ साथ पर्यवेक्षिकाओं के जरिए भी करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में स्वास्थ्य विभाग दरभंगा से संबद्ध यूनिसेफ एवं WHO के प्रतिनिधिगण एवं चिकित्सकगणों को प्रशस्ति पत्र के जरिए जिला पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। इस बैठक में सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, वरीय उप समाहर्ता पुष्पेश कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, सभी प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारी, WHO के प्रतिनिधिगण, यूनिसेफ के प्रतिनिधिगण व अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मेन पॉइंट से यही है कि इसमें सारे मेथड्स पे जोड़ दिया है। स्पेशली इसमें ये गाइडलाइन सभी को शेयर भी कर दिया गया है ऑलरेडी DHS से। इसमें एक पॉइंट पे बहुत जोर दिया है अंतरा में, अगेन जो स्टेट से भी लेटर आया है बोर्ड में लिखा है डिस्कशन हो रहा है। आप लोग LS को बताएंगे, LS सब सहायिका सेविका इन लोगों की जो मीटिंग करती है उसमें बताएंगे ताकि बात वहां तक पहुंचे, जो एलिजिबल कपल है वहां तक बात पहुंचे। कोई बताइए माइक में। हमें आपको छोड़ के लगता है 3 महीना इसके लिए सेफ रहते हैं। हाँ। ये अंतर है प्लान करके डिस्ट्रिक्ट को शेयर करते हैं, कई सारी फॉर्मेलिटी से शेयर कर दी जाएगी। और एक इसमें से आज की मीटिंग के लिए हमारे लिए एक था कि DQVC की मॉनिटरिंग प्लान का भी इसमें से मेंशन किया है लेटर में, गाइडलाइन में, कि ये जो पखवाड़ा के दौरान 11 तारीख से यूज करते हुए थे। दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के नए कमांडेंट के रूप में राजेश कुमार ने संभाली कुर्सी। कहा, चीन के साथ
हर स्थिति से निपटने को हम हैं तैयार। इसके साथ ही दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन हर मुसीबत में लड़ने के लिए है पूरी तरह सक्षम। स्थानीय प्रशासन बाढ़ के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने हर काम में हम रहे हैं हमेशा आगे। ये स्टेशन चुनौतियों से भरा है, ना सिर्फ वायुसेना की तरफ से कि वायुसेना को इस स्टेशन से क्या उम्मीद है, बल्कि दूसरा सिविल एडमिन और यहाँ के लोगों के लिए बाढ़ के समय ये एक स्टेशन है जो बाहर का राहत कार्य लोगों तक पहुँचा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे स्टेशन की, और हम ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारा मकसद रहेगा इस स्टेशन में आके काम करने का, कि सिविल एडमिन के हर ज़रूरत जो हम एस एफर्स पूरी कर सकें उसमें पूरा सहयोग देना, और दूसरा जो वायुसेना से इस सरकार की उम्मीद है उस उम्मीद में हमारे स्टेशन का जो कार्य है, जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उसको पूरी तरह से हासिल करना। इतने सालों से एयरफोर्स ने मेंटेन किया हुआ है, ये इसी कारण किया हुआ है क्योंकि चाइना की तरफ से कभी भी कोई चुनौती आई तो इस स्टेशन का बहुत ही अहम रोल होगा उस चुनौती का सामना करने के लिए। फिलहाल चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही रहेंगे, मगर कभी जरूरत पड़ेगी तो ये स्टेशन अपने हर चुनौती के काबिल रहे। समाज को सकारात्मक दिशा दिखाने के लिए समाज से ही किसी न किसी को आगे आना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, जिसके बाद उसे आदर्श या मिसाल मान लोग पीछे चलते हैं। हजारों अरमानों को दबाकर दो परिवारों ने मिलकर पूरे मिथिलांचल के इलाके ही नहीं पूरे राज्य देश में एक मैसेज देने का काम किया। बिहार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर दहेज मुक्त विवाह के इरादे को आज फिर उस वक्त पंख लग गया जब जनता दल यूनाइटेड पार्टी के ही विधायक अमरनाथ गामी ने अपने भतीजे संकेत गामी की शादी दहेज मुक्त ही नहीं बल्कि आडंबर मुक्त भी कराई। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बाद कोई प्रतिनिधि अगर सार्वजनिक रूप से दहेज मुक्त शादी का आयोजन करने में सफल रहे तो वे दरभंगा के हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी ही हैं। शहर के हर घर में इस अनोखी दहेज मुक्त शादी की आज चर्चा हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरे परिवार में बड़ा परिवार है, साल में एक शादियाँ हुआ करती है। माननीय सुशील मोदी जी का बेटा का विवाह जो पहला घर में विवाह था उस विवाह में शादी के पूर्व विवाह किए थे, दिन में भी विवाह किए थे, दहेज मुक्त विवाह किए थे। उस विवाह का अनुकरण करते हुए प्रेरणा से हम सोचे हम अपने परिवार में मिथिला में एक मैसेज दें समाज सुधार के लिए कि दहेज से लोग परेशान हैं, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग इस दहेज से पिस रहा है, इसलिए एक संदेश देने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया। इस प्रयास से हो सकता है कि आने वाला समय में समाज में एक अच्छा मैसेज आए। अलग उत्साह लोगों में देखिए, अजीब खुशी है, जितने हमारे गेस्ट आए हैं फीका पकवान का कोई चर्चा नहीं किया, आदर्श विवाह का सब चर्चा किया। हम भी खुश हैं, मेरा पूरा परिवार खुश है, हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे आगे भी ऐसे चले और समाज में एक अच्छा सा संदेश हो, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं और आगे ऐसे चलते रहे। देखा जाता है कि युवाओं में बहुत शादी के लोग एक क्रेज होता है, बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारे मेरे चाचा जी ने मेरे पूछा इसके बारे में कि ऐसा करना है, तो मैंने पहले सोचा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो मैं उसके लिए मान गया और मैं इसके लिए खुश हूँ। खुश है शादी से कि हम ये माध्यम बने कि मेरी शादी से सबको संदेश मिल रहा है, अगर ऐसा ही शादी हुआ तो शायद कोई भी बेटी किसी के लिए बोझ नहीं रहेगी किसी परिवार के लिए, बहुत खुश है। क्या लगता है मतलब जो एक मानसिकता लोगों में है दहेज को हो जाएगी, मानसिकता दहेज को लेकर बेटियों को जो प्रताड़ित किया जाता है वो नहीं किया जाएगा,
कोई भी बेटी कभी बोझ नहीं रहेगी किसी माँ बाप की। शादी के लेके बहुत अरमान होते हैं लड़कियों में भी, कुछ था ऐसा जो उसको? हाँ, ये अरमान, लेकिन जब पता चले कि मेरी शादी से लोगों को संदेश मिलेगा, मेरे कारण कितनी बेटियों की जिंदगी सुधर जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ मेरी शादी युवा को। कोई भी अगर बेटी के लिए दहेज लेना और उसमें इतना खर्च करना माँ बाप के लिए बोझ बन जाता है, जिसके लिए बेटियों को हमेशा सही नज़र से नहीं देखा जाता, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है ठीक ढंग से, ये सोचा जाता है कि पढ़ा लिखा कर तो दहेज देना ही है, ये मानसिकता दूर हो जाएगी सबसे बड़ी बात है। जो रास्ता चुना है दहेज मुक्त शादी का, उसका जीता जागता उदाहरण दरभंगा में पेश किए हैं, और बहुत ही ज़्यादा मन उसके ऊपर कोई सोचता ही नहीं था किस जगह कौन लड़का क्या बना, वो रेट सही सोचता था, अब इसका क्या रेट हो गया, कोई मेडिकल बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, ना 10 लाख हो गया कि 20 लाख हो गया, माइंड में पहले यही आता था शुरुआत। और ये लोग जो समाज में जो लीड करते हैं समाज को, अगर ये इनके घर से ये बात होगी तो ये जो समाज में अन्य लोग हैं उनके लिए भी एक मैसेज जाता है। जो दहेज मुक्त विवाह, असल में जो दहेज मुक्त विवाह होता है, नीतीश जी ने आह्वान किया, फिर माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने अपने बच्चे का जो विवाह किया का आदर्श स्थापित किया, और फिर आज माननीय विधायक अमरनाथ गामी जी के परिवार में जो आज विवाह हुआ है, निश्चित रूप से इसको कड़ी को और आगे बढ़ाना चाहिए और सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि नहीं, हम दहेज मुक्त विवाह करेंगे। दहेज लेना देना कानूनन भी अपराध है। समाज में एक अच्छा संदेश जो अमरनाथ गामी जी के पूरे परिवार ने आज एक गरीब घर की बच्ची को अपनाया और दहेज मुक्त विवाह का एक जो है बड़ा संदेश दिया, निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक लोगों को इसको अपनाना चाहिए और धीरे धीरे यह पूरे बिहार में एक आह्वान की तरह जो है धीरे धीरे लोग अपना रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI प्लस टू सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस DMC लहेरिया सराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त, नामांकन सूचना सत्र 2018-2020, क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष, क्रम संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से ₹500 नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरिया सराय दरभंगा, संपर्क सूत्र है 0627225408। तीन वर्ष पूर्व फुटपाथी विक्रेताओं के लिए लिए गए निर्णय अब तक लागू नहीं होने से खफा, विक्रेता संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। जिला फुटपाथी विक्रेता मजदूर संघ अब और इंतजार नहीं करेगा। 3 वर्ष पूर्व नगर विक्रय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अब तक लागू नहीं हो सके यह नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन की उदासीनता को ही दिखाता है। अब भी अगर यह उदासीनता बनी रही तो संघ उग्र आंदोलन के रास्ते पर चलेगा, जिसके जिम्मेवारी जिला व निगम प्रशासन की होगी, यह कहना है संघ के मुख्य संरक्षक RK दत्ता का। दरअसल जिला फुटपाथी विक्रेता मजदूर संघ ने कर्पूरी चौक स्थित रैन बसेरा में आयोजित बैठक में नगर विक्रय समिति के निर्णय को लागू करने, सभी फुटपाथ दुकानदारों को पहचान पत्र देने, अतिक्रमण की समस्या का स्थायी निदान करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई गई। तय हुआ कि जिला प्रशासन को समस्याओं के समाधान के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाए। इसके साथ ही 25 जून को संघ की ओर से शहर में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। वहीं संघ के मुख्य संरक्षक RK दत्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला व शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में
50,000 फुटपाथ विक्रेता हैं, लेकिन मात्र शहर के 1184 विक्रेताओं की सर्वेक्षण सूची बनी है और मात्र 225 लोगों के पहचान पत्र निर्गत किए गए हैं। इससे फुटपाथ विक्रेताओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व नगर विक्रय समिति की बैठक में 12 जगहों पर वेंडिंग जोन बनाने व पहचान पत्र सहित योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया गया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। अगर उनकी मांगों पर जिला प्रशासन जल्द ध्यान नहीं देता है तो आगामी 25 जून से इनका आंदोलन जारी रहेगा। नए राशन कार्ड के आवेदन के लिए लगातार चल रही मारामारी। दरभंगा जिले के प्रत्येक प्रखंड पर नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन जमा कराया जा रहा है। आवेदन जमा करने के लिए ग्रामीण महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। रात में ही पहुंचकर लाइन में लग जाते हैं। कड़ी धूप के कारण वह लाइन में खड़े बेहोश तक हो जाते हैं। बहादुरपुर प्रखंड ओबरा पंचायत की महिला गाँव की लगी हुई लाइन में थी, वह बेहोश हो गई। बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हिनका की होइ छै ना बताबी माथा रे छै माथा दिक्कत उठ के बैठु बैठ के बैठ छै कै दिन से दौड़ रहे हैं? क्या नाम हुआ बोलिए ना। कहाँ घर हुआ? कौन सा पंचायत में? चक्कर आ गया फिर क्या हुआ? यहाँ कौन लाया उठा के? आप नहीं देख सकती, नहीं पहचान सकती। क्या चल रहा है? पहले तो कर कौन इलाज, कौन इलाज कर लिए? हाँ जी बताइए, कहाँ हुए थे आप? किस चीज के लिए? फिर क्या हुआ आपके साथ? कितना देर से लाइन में लगे हुए थे? 4 बजे भोर में आए। कई दिन से दौड़ रहे हैं आप? 20 तारीख से दौड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। कहाँ घर हुआ? पंचायत। जी बताइए क्या हुआ आपके पत्नी के साथ? हमारे पत्नी के साथ, हम पत्नी को लाइन में लगाए हुए थे, हम उसको बारंबार पानी उनी देते थे, उसके बाद हम थोड़ा देर 5 मिनट के कारण हट गए। उसके बाद गए तो सब आदमी के नीचे पड़ा हुआ था, वहाँ से खींच के लाए। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुनीता देवी। और घर कहाँ पड़ता है आपका? कै रोज से आते हैं? 20 तारीख से दूर धूप पर। हाँ क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ? लाइन में लगे हुए थे। कितना देर से लाइन में लगे हुए थे? 4 बजे घर से चले थे शाम में। क्या नाम है आपके पत्नी का? मीरा देवी। फिर भी होश होने के बाद क्या हुआ? होश होने के बाद यहाँ लाए गए। भले ही बिजली आपूर्ति की स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई हो, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को कम होते नहीं देखा जा रहा। आज की तारीख में भी बेतहाशा बिजली बिल में गड़बड़ी देखी जा रही है। त्वरित एक मामला जो सामने आया है, हायाघाट के एक चाय दुकानदार का जो काफ़ी गरीब जिंदगी जी रहा है और इसके मीटर पर जो बिल आया है एक महीने का, वह 26,000 का भेजा गया है। कई जगहों पर इसने आवेदन दिया है और इसके आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण यह गरीब परेशान है। एक महीना में 26,000 बिल होता है।
इससे पहले कितना भरते थे? 200-300 महीना, 200-300-400 बहुत। कितना 500। कितना दिन का बिल है? 26,000 एक महीना का। आपने किसी को आवेदन दिया है? यही को दिया है, कोई सुनवाई नहीं। अभी क्या प्रक्रिया? इससे आगे आपने क्या किया फिर? अभी मीडिया वाले को बोल रहा है ना? जी बताइए, क्या हुआ बिजली बिल में आपको? गलत बिल आया है, हमको सस्पेंशन है, इसको चेक किया जाए, इंक्वायरी किया जाए अगर सही है कि गलत है। आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया अभी तक? अभी तो हम मान रहे केवल बिजली ऑफिस में दिए हैं। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस भले ही कमर कसी हुई हो, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। आज भी ऑटो चालक ओवरलोडिंग करना बंद नहीं कर रहे। चिलचिलाती धूप में सवारियों को छत तक पर बिठाकर वाहन चालक पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लगातार वाहन चेकिंग अभियान के बावजूद इन ये संभलने का नाम नहीं लेते। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाय ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर चौक दरभंगा, अ ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जी मेडिकल प्लस टू बोर्ड प्री फाउंडेशन फॉर क्लासेस 7th to 10th एनटीएससी एंड ओलंपियाड। स्ट्रीट लाइट के पोल में दौड़ा बिजली का करंट, बिजली विभाग की लापरवाही ने ली एक बच्चे की जान। लहरियासराय प्रधान डाकघर के निकट हादसा। हाईवे पर चलती स्कॉर्पियो में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। जिलाधिकारी ने की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, 102 एम्बुलेंस की सेवा से असंतोष, कहा 10 दिनों के अंदर करें सुविधा दुरुस्त। चीन से लोहा लेने का सवाल हो या फिर बाढ़ या आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाना, एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा है पूरी तरह तैयार, कहा नए कमांडेंट ने। और न बजा बैंड न ही हुई आतिशबाजी, जदयू विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे की दहेज एवं आडंबर मुक्त हुई शादी।